ऋषि सुनक जो जल्द ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। भारतीय मूल के ऋषि सुनक जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जैसी बड़ी उपलब्धि हासिल करने जा रहे हैं तो इससे भारतीयों में खासा खुशी देखी जा रही है। भारतीय फूले नहीं समा रहे हैं कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। दिवाली के दिन ब्रिटेन को पहला हिंदू प्रधानमंत्री मिल गया और फिर उम्मीदें अब भारत की भी ब्रिटेन से बढ़ गई हैं कि अब दोनों देशों के बीच में रिश्तों को लेकर अच्छे दिन आएंगे। ऐसे में पाकिस्तान में भी होड़ मची है ऋषि सुनक के पाकिस्तानी होने की। जी हाँ, अब सुनक हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी, इस बात को लेकर पाकिस्तान और भारत के बीच में मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर सुनक को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है। गहमा गहमी इस बात को लेकर कि आखिर सुनक का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनना भारत के लिए ज्यादा गौरवपूर्ण है या फिर पाकिस्तान के लिए, और इस सवाल के साथ ही भारत पाकिस्तान विभाजन के दर्द को भी याद किया जा रहा है। वो घाव एक बार फिर हरे हो गए हैं जो विभाजन के समय में दोनों देशों को मिले थे, क्योंकि सुनक का किसी एक देश से नहीं बल्कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों देशों से नाता होने का दावा किया जा रहा है। जी, दोनों देशों से जुड़े हुए हैं जल्द ब्रिटेन के पीएम पद की शपथ लेने वाले ऋषि सुनक, ऐसा कहा जा रहा है। सुनक के पाकिस्तान भारत से जुड़े होने की क्या है कहानी? दरअसल सुनक के दादी दादा ब्रिटिश शासन वाले भारत में पैदा हुए थे, लेकिन बंटवारे के बाद उनका जन्मस्थान गुजरांवाला आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में चला गया। पाकिस्तान का शहर गुजरांवाला देश का सातवां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। 18वीं सदी में इसकी स्थापना हुई थी और यहीं पर सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह का जन्म हुआ था। बंटवारे के बाद ये उन शहरों में एक था जहां पर जमकर हिंसा हुई थी। सुनक खत्री परिवार से आते हैं। ऋषि के दादा रामदास सुनक गुजरांवाला में रहते थे जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया। रामदास ने सन 1935 में गुजरांवाला भी छोड़ दिया और वो क्लर्क की नौकरी करने के लिए नैरोबी आ गए। ऋषि की बायोग्राफी लिखने वाले माइकल एश क्रॉफ्ट ने बताया कि रामदास सुनक हिंदू मुसलमान के बीच खराब रिश्तों की वजह से नैरोबी आ गए थे। रामदास की पत्नी सुहाग रानी सुनक गुजरांवाला से दिल्ली आई थी और उनके साथ उनकी सास भी थी। इसके बाद साल 1937 में वो केन्या चली गई थी। इस तरह से जल्द ब्रिटेन के पीएम बनने वाले सुनक पाकिस्तानी भी हैं और हिंदुस्तानी भी। यही वजह है जो लोग उन्हें पाकिस्तान का भी बता रहे हैं और हिंदुस्तान का भी। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बारे में पाकिस्तान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पर जरूर होड़ मची है ऋषि सुनक को पाकिस्तानी बताने की। तारिक फतेह ने भी ये जानकारी साझा की है, ट्वीट कर बताया है कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के दादा दादी गुजरांवाला से थे जो कि पंजाब में एक शहर है। महाराणा रणजीत सिंह के जन्म के लिए ये जगह जानी जाती है। हालांकि फिर कई लोगों ने यह भी कहा कि पाकिस्तान खुद भी तो भारतीय मूल के ही है। बजरंग बिज्जू ने लिखा, पूरा पाकिस्तान भारतीय मूल ही है। कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि ऋषि सुनक पाकिस्तानी मूल के नहीं बल्कि भारतीय मूल के ही हैं, क्योंकि भारत का विभाजन होकर पाकिस्तान 1947 में बना। उससे पहले गुजरांवाला भारत का ही हिस्सा था। और जहां तक बात रही सुनक की दादी दादा की, तो वो 1935 में ही गुजरांवाला छोड़कर नैरोबी चले गए थे, भारत के विभाजन से 12 साल पहले ही। ऐसे में भारतीय मूल के ही माने जाएंगे सुनक, ना कि पाकिस्तान के। तो ऐसे में सोशल मीडिया के जरिए जो ऋषि सुनक के पाकिस्तानी होने के दावे किए जा रहे हैं, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? आपको क्या लगता है, कैसे भारतीय है और कैसे पाकिस्तानी है ऋषि सुनक? आपके हिसाब से आखिर किस मूल के माने जाएंगे ऋषि सुनक? इस पर आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।